जो सब बेदार है, मैं मोदी सर नहीं करूंगा इस अवसर पर इस मुख्यालय को संभालने के लिए आप जो हमारे चिन्हित स्थान है उन स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था के लिए आप आज घोषणा करेंगे। हमारे नगर में नमाज निकलने का यहाँ पर जो हमारे जो है सिविल मेंटर सिविल लाइन भी सही थी, परंतु 50% भाग अभी भी असीमित है। मेरा आपसे अनुरोध है जो असीमित क्षेत्र है उनको सिविल लाइन से कनेक्ट किया जाए और जो बना हुआ है जो सिविल लाइन बनी हुई है उन पर भी अभी सुचारू रूप से भी वो संचालन बनी है वो सुचारू रूप से हो जाए। दूसरा महोदय, हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं और हम हमारे पूर्वज हमारे नौजवान हम सब लोग मिलकर के इस शहर को संवारने का काम करते हैं। हम अपने छोटी छोटी मकान बनाना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर विकास प्राधिकरण है उसमें बहुत सारे कन्या पैदा की है। हमारे लोगों की फाइल 10-15 साल में लटकी रहती है, वो व्यक्ति 7 साल के बाद एक मकान बनाना चाहता है मगर वो मकान नहीं बना पाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से पूर्व में अन्य प्राधिकरणों को समाप्त किया गया, आपसे अनुरोध है आपसे अनुरोध है कि आप प्राधिकरण से मुक्त कराएंगे। हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है भुदा पानी, उस भुदा पानी में घूस कर रखा है और पिछले 2 वर्षों से लगभग 15-20 मकाने जब आ गई है, यदि उसका ट्रीटमेंट तुरंत नहीं हुआ तो इस वर्ष को साथ में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसको विश्व के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आपके आशीर्वाद से आपने घोषणा के उपरांत उनका दिनों में कार्रवाई हुई है, हमारे रूटी की टीम यहाँ पर आई है और उनके द्वारा भी सर्वेक्षण करके आपके समक्ष डीपीआर मुख्य सचिव के सामने है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस धर्मों का अवगत करा करके इसको सबके सूत्र को बताने का कोशिश करेंगे। मैं चाह रहा कहते हुए ये हमारा जनपद बहुत दुरुस्त क्षेत्र है और एक पत्रकार में किन्हीं कारणों से हमारी विधायक भी नहीं है, हमारे गांव में कनेक्टिविटी हमारे सड़कों के काम हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ बहुत सारी दिक्कत हमारी है जो समय समय पर आपके सामने आप बचेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो हमारी जो छोटी छोटी मांगे हैं इनको समय करते हुए हम संयोग कर सकेंगे। भारत माता की पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने भूभूषण नगर की समस्याओं से भी अवगत कराने का काम किया, इसलिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और हमारे बीच में रैणी गांव में जो आपदा आई थी उसका आपना चाहिए था, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरकमलों से श्रीमती सोनी जी को उनके आवास के लिए थैंक की जा रही है, इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद है। और हमारे बीच में निधि गाड़ी महा समिति की नंदी नारायण जी प्रदेश मंत्री हैं, आप अनुसूचित गंगा जी को आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्या प्रसन्न ने एक आपने माला बनाई है देने का कष्ट कर रहे हैं। नीति माला घाटी की हमारी मातृशक्ति है, हमारे बीच
और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने जा रहे हैं। और ये मीटिंग हमारा जो वैली है उस वैली से हमारे बीच में मात्र शक्ति हमारे बीच में आई है और पारंपरिक जो माला है ये पारंपरिक माला इस क्षेत्र में बनती है। इस माला को आपने माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित किया है, भेंट किया है। सारी वरिष्ठ जो हमारी मात्र शक्ति है अपने पौराणिक परिणाम में आप माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन के लिए आपका इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। माननीय नंदी राणा जी आप हमारे प्रदेश मंत्री हैं, हम की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया और आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को माला पौराणिक माला जो आपने भेंट की इसलिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि समय का अभाव है इसलिए इस समय को देखते हुए मैं मौसम की स्थिति देखते हुए मैं आपको मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ है और इस नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष श्रीमान अनुश्रम प्रसाद भट्टी से कि आप मैंने कोई दस माइक वहीं पर आपकी व्यवस्था रखी है तो आपसे निवेदन है कि आप भी आशीर्वाद स्वरूप श्रीमान अनुश्रम प्रसाद भट्टी आपके इस कार्यक्रम में और जिनकी हमको प्रतीक्षा थी और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा नेतृत्व जिसको मतदाताओं ने 94% मतदान से नहीं बनाया हो और जीतने के बाद पहली बार मतदान नाम गए और आज हम सबका सौभाग्य है कि भुवनेश्वर के अंदर ऐतिहासिक विषय मैं बता रहा हूं कोई मुख्यमंत्री किसी चेयरमैन के सम्मान समारोह में आज तक भुवनेश्वर कोई नहीं आया था और मैं इसे बधाई दे रहा हूं पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने एक अनुसूचित जाति की बहन को सम्मान दिया है और उनके सम्मान समारोह में वो उपस्थित हुए। मैं हृदय से माननीय पुष्कर गांधी हमारे हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हमारी सम्माननीय चेयरमैन बहन पुष्पा पासवान जी हमारे सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया ऐसा भी अनुश्रम प्रसाद भट्टी पूर्व विधायक मुंडी शाह जी और नाम लोगों बहुत लंबे समय लगे हुए सभी मंचासित बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों और पूरे जोधपुर क्षेत्र के श्रेष्ठ नागरिकों मित्रों आज हमारी बहुत बड़ी जीत है जीत इस रूप में है कि गोपेश्वर के अंदर अगर विकास का अवरुद्ध हुए हैं तो इन कारण से हुए कि सरकार हमारी और चेयरमैन दूसरा वैसे हमारी सरकार ऐसा करती है विकास सत्ता ध्यान देती है लेकिन विकास को उस स्थान तक पहुंचाने का कार्य उनके स्पीड पहुंचाने का कार्य जिनका होना चाहिए उनके द्वारा सब समय पर स्पीड जाएगा नहीं पैसा पहुंचता नहीं हमें दुख है कई बार इलेक्शन न हो सरकार की किसी चेयरमैन का ध्यान तो इसके हम सब दुखी है लेकिन आज प्रोफेसर की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक प्रयोग किया और ऐसी बहन को विजयी बनाया है और विजयी रूप में भी कि कोई लाल बत्ती छोड़ने वाला नहीं होता है हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रयास किया होंगे इस बहन को इस चेयरमैन को तैयार करने के लिए इसके हम कल्पना
मोरिना विधानसभा किस समय बीजेपी के विधायक भी है और मैं जानता हूं, मैं अभी पुष्कर जी से बैठे हुए बात कर रहा था, इस विधानसभा को भी देखने का काम मैं विश्वास कर सकता हूं पुष्कर धामी जी करेंगे। ये सत्ता है उन्हें कहा गया विधान का मित्र कर सकते हैं कि जहां जहां हमारे विधायक नहीं जीत पाए कारणों से अलग अलग होते हैं उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। ये मुझे पूरा विश्वास है ये सीमांत क्षेत्र है, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अंतर जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया और मुझे हृदय से विश्वास है ऐसे नौजवान साथी मेरे से मित्र रहे हैं गौरव सिंह मरसर हमारे अध्यक्ष रहे हैं और आज प्रदेश की कांग्रेस सभा में उनको भी सीमांत क्षेत्र का ध्यान है, चाहे खटीमा भी बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र था, आज चंपा भी बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, उसी को ध्यान में हमारा प्रतिनिधित्व का क्षेत्र है। मुझे पूरा विश्वास है ये विधानसभा आज से मैं माननीय मुख्यमंत्री आपके हवाले कर रहा हूँ, इस विश्वास के साथ क्या बात का सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महेंद्र भाई जी, आपने गोपेश्वर नगर के लिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में पहली बार आप यहाँ आए हैं इसके लिए हम आप हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पासवान जी से आप आए और हमारे गोपेश्वर नगर में तो जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए कुछ बिंदु आपने बनाए हैं उन बिंदुओं पर भी आप बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन आप करने का कष्ट करेंगे श्रीमती पुष्पा पासवान जी अध्यक्ष नगरवाली। आपकी जो जीत हुई है उस जीत के लिए मैं गोपेश्वर नगर की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। गोपेश्वर नगर पालिका पार्षद अध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण समारोह में आपकी कृपा में उपस्थित के लिए आभार एवं सादर अभिनंदन। गोपेश्वर की नगर की जनता बाकी
वापस समर्पित कर दी गई है, कर दी गई के अस्थि भवन व उनके भवन से लगे रिक्त भूमि पालिका को हेरी व्यवसाय के तहत टेंडर जोन बाजार के स्थान पर निर्माण के लिए आवंटित करने हेतु निवेदन। दूसरा भूस्खलन ट्रीटमेंट प्रभावित क्षेत्र के
कहूंगी पूरा विधायकी को कि हमें जिस नगर पालिका के आप नल का चमोली में ही आपका पूरा सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, चमोली जिले को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस चमोली जिले को करेंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा गोपीचंदनगर की समस्याओं के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का अवगत कराया गया। विश्वास के साथ कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त समस्याओं पर, गोपीचंदनगर की जो मुख्य समस्याएं हैं मुख्य समस्याओं पर आपका आशीर्वाद गोपीचंदनगर की जनता को मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि गोपीचंदनगर पालिका आउटस्टैंडिंग अमाउंट में है, तो आपकी योजना के आधार पर ही गोपीचंदनगर का विकास संभव है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप गोपीचंदनगर के लिए जो घोषणाएं आपके माध्यम से आज हुई है उनसे विकास के पहिए आगे बढ़ेंगे। और मैं चाह रहा हूं कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और आप आए और अपनी बात को मंच के माध्यम से प्रस्तुत करें। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। भारी बहुमत से इस क्षेत्र से उस
भाजपा जी को 1313 वोटों से, 1313 वोटों से यहां से ऐतिहासिक विजय सिद्ध आपने गुजारी है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं और अभी अभी मैं भी चुनाव में 4 तारीख को उसका भी रिजल्ट निकला। इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो वास्तव में कभी कभी मैं भी सोचता हूं। आज मैं यहां आया भी इसीलिए कि जब मुझे सारा आकलन करने के बाद पता लगा कि 25 सालों के बाद ये नगर पालिका परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आप सबके बीच में आया। आप सबका धन्यवाद करने के लिए। अभी बहुत सारी बातें यहां पर हमारे जिला अध्यक्ष ने भी कही हैं और हमारे महेंद्र प्रसाद भट्टी ने भी कहा है, चेयरमैन साहब ने भी कहा है। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरे उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो आज नगर पालिकाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यान बागवानी का क्षेत्र हो, चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने सारे विभागों को अगले 10 सालों का रोडमैप बनाने को कि सारे विभाग अगले 10 सालों का क्या करने वाले हैं उसका एक रोडमैप बनाकर जो है उसको सबमिट करने वाले। इस आधार पर हम काम कर रहे हैं कि 2025 में जब हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा उस समय जब हम 25 साल के होंगे, सिल्वर जुबली मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, उस समय के लिए सारे विभाग अभी से वो क्या क्या करने वाले हैं, किस प्रकार की वो योजना करने वाले हैं, किस प्रकार के काम करने वाले हैं और कितने काम तब तक पूरे करने वाले हैं, उसको लेकर सारे विभागों को हमने कहा है और उसके लिए लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं कि 2032 में जब हम 25 साल के होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार कि हम हिंदुस्तान के उस समय श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य, हमारा हर क्षेत्र में एक आदर्श हो, हमारे हर क्षेत्रों में काम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा और शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा था कि इतने पर्यटक आएंगे, इतने श्रद्धालु आएंगे कि देश की आजादी से लेकर अब तक जितने आए होंगे
अगले 10 सालों में उन सबका रिकॉर्ड टूटेगा। और उसकी उन्होंने वहां 5 नवंबर 2020 को उन्होंने उसकी घोषणा करी। उनके मुखार बिंदु से सतगुरु बाबा केदार की भूमि पर निकले और इस साल जो शब्द उनके मुंह से निकले थे वो साक्षात सत्य की ओर चले गए। इस बार की यात्रा में जो हमारी यात्रा चल रही है, तो इस यात्रा में अभी तक लगभग 1 महीना 8 तारीख से बाबा हमारे बड़ी विशाल के दरवाजा उनका कपाट खुले थे और आज 20 तारीख हो रही है, लगभग 1 महीना और 12 दिन। इसमें 23 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और शुरू शुरू में जब यात्रा चली थी तो यात्रा को नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हमारे सामने एक बड़ा टास्क था और मैं सच बताऊं तो एक दिन तो जिस दिन 6 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे उस दिन वहां 22,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। और रात्रि को जब 12 बजे पता किया तो 15,000-16,000 की कैपेसिटी अधिकतम है वहां पर, क्योंकि छत के नीचे आ सकते हैं, और 22,000-23,000 लोग वहां पहुंच गए। इसी तरीके से रात को उनको छतों के नीचे लाया गया, व्यवस्थित किया गया और बनाएगा इसी केस आएगा और इसी केस से भुवनेश्वर आएगा, चमोली आएगा, बद्रीनाथ जाएगा या हमारे चारों धामों की यात्रा पर जाएगा, हिंदू साहब जाएगा, अन्य स्थानों पर जाएगा। तो एकदम से हमारे ऊपर आने वाले समय में और हमारी चुनौती बढ़ने वाली है। इसलिए मैं सभी लोगों से हमने अनुरोध किया है, जो भी यात्रा मार्ग से जुड़े हुए लोग हैं, पिछले साल यात्रा चल नहीं पाई थी उससे पहले साल की यात्रा नहीं चल पाई और पिछले साल यात्रा चलाने के लिए हमने बहुत मुशक्कत करनी पड़ी। पहले हमने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका लगाई थी, उसके बाद उन्होंने उसको याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया, लंबे समय तक सुनवाई नहीं हुई। हम लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद जब कोरोना महामारी कुछ कम हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको वापस हाई कोर्ट को भेज दिया, उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय को भेज दिया। और फिर हमने कहा कि अब महामारी कुछ कंट्रोल में आ गई है और ये यात्रा से हमारे जो यात्रा चलती है हमारी 6 महीने, इस यात्रा से पूरे साल भर का काम चलता है, हमारी आजीविका से जुड़ी हुई है यात्रा, पूरे इस क्षेत्र का आगे को बढ़ाने के लिए यात्रा बहुत जरूरी है, अन्यथा लोग आजीविका विहीन हो जाएंगे, उनका काम धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। फिर न्यायालय ने 1 महीने के लिए यात्रा को चालू किया तो फिर वो थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी में चालू कर दिया, 500, 800, 1200। हम फिर से न्यायालय में गए और फिर से जब न्यायालय में गए तो फिर यात्रा खुली, कुछ दिनों तक यात्रा चली। भाइयों बहनों, इस बार जब यात्रा खुली थी तो 2 सालों का एक बड़ा दबाव भी था और दबाव के साथ साथ अब जो धीरे धीरे रोड अच्छी हो गई है, हवाई जहाज की सुविधा हो गई है, तमाम प्रकार से जो काम चल रहे हैं उसके कारण से आप तय मानिए कि आने वाले समय में ये यात्रा हमारी हर साल बढ़ेगी, हर साल यात्रा बढ़ेगी और हर साल हमारे सब लोगों को यहां पर उनकी जो आमदनी
पानी है उनकी वो भी बढ़ी हुई है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को चीजों पर ध्यान भी देना होगा। जैसा अभी भाई रघुवीर जी ने यहाँ पर एक लंबी सारी यहाँ पार्किंग की, पुष्पा जी ने एक लंबी लिस्ट यहाँ पर बताई है, और एक मिथक तोड़ने वाली सरकार, एक नया इतिहास बनाने वाली सरकार। कि पहले क्या होता था, एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार, चार चुनाव में चारों चुनाव में ये हुआ। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं उनके मन में भी संशय रहा हो, जहां जहां हम लोग नहीं आ पाए उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये क्रम चल रहा था, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, इस बार फिर कांग्रेस। लेकिन इस बार लोगों ने मीटर तोड़ दिया और उसके लिए हमारी मातृशक्ति में विशेष रूप से उन्होंने जगह जगह पर जो है अपना मत और समर्थन दिया। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने आज समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति लगातार योजनाओं को देने का काम किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के आजादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में, और इन 75 सालों में से देश के अंदर 55 सालों से ज्यादा सालों तक एक पार्टी की सरकार रही है, और एक पार्टी में से भी एक परिवार का शासन रहा है, और देश के अंदर जो योजनाएं बनी है उन 55 सालों में, उन 60 सालों में कुछ लोगों के लिए बनी है, कुछ लोगों के लिए नीतियां बनी, कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम बने, कुछ लोगों के लिए योजनाएं दी गई, कुछ लोगों को अनुदान दिया गया। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद लगातार देश के अंदर कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, गरीबों को छत मुहैया करवाने का काम हुआ, कहीं पर हमारी माताओं बहनों को उस धुएं से उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम हुआ, उज्ज्वला योजना बनी, कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना देने का काम हुआ, आज 5 लाख रुपए तक की गारंटी हमको इस स्वास्थ्य कार्ड देता है। उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को उस योजना में आच्छादित किया है हमारी सरकार ने। 5.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने उस योजना में इलाज कराया है। भाई और बहन, कोरोना महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम किसी देश में हुआ तो वो हमारे देश भारत में हुआ, और केवल इतना ही नहीं, देश के अंदर तो सबको वैक्सीन लगाने का काम हुआ, एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, और तीसरी वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में भी मुफ्त में लगाने का काम हुआ। यहां पर भी अगर कोई छोटे बच्चे नहीं होंगे तो मैं सोचता हूं कि सबको वैक्सीन होती होगी, सबको लगी कि नहीं लगी, एक बार हाथ खड़ा करके नहीं लगा देखते, कोई ऐसा तो नहीं है जो वैक्सीन नहीं लगी, सबको लगी। और वैक्सीन
भारतवर्ष में तो सबको लगाई गई, भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया के कई देशों को भी वैक्सीन लेने का काम हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। भाई और बहनों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण योजना, जब महामारी आ गई तो महामारी के समय में कोई छोटी दुकानदारी करने वाला था, कोई मजदूरी करने वाला था, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई ठेला चलाने वाला, कोई छोटा काम करने वाला, सबका काम बंद हो गया। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, देश के एक एक व्यक्ति के बारे में अगर उनके मन में हमेशा ये रहता है कि वह व्यक्ति भी सारी चीजों से मुक्त होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं उसकी भी होनी चाहिए, उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन देने का काम जो उन्होंने मार्च 2020 में शुरू किया था वो काम अभी तक चल रहा है। सितंबर माह तक उस योजना को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। भाई और बहनों, इस समय में एक योजना वो देश के लिए और लेकर आए हैं। आज तक मोदी जी ने जो भी काम किया है, सारे काम उन्होंने देश के हित में किए हैं। कोई भी काम उन्होंने किसी निजी हित में नहीं किया है। वो राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी एक कर्मयोगी है, जिन्होंने अपने जीवन को उसका एक एक पल और एक एक क्षण अगर किसी के लिए लगाया है तो हिंदू आज उनके कैरियर के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का काम इस देश के अंदर यह है कि वो केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। बहुत सारे नौजवानों का इंटरव्यू देखा गया, किसी की उम्र 25 साल हो गई, किसी की उम्र 26 साल हो गई, जो आदमी ने योजना थी जिसका लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी कहीं किसी का वाहन चलाने का काम कर रहे हैं, कहीं किसी की चाबी निकालने का काम कर रहे हैं, आग देने और उद्योग का काम कर रहे हैं। कुछ लोग केवल मोदी जी की योजनाओं का विरोध करते हैं, जिन्होंने अपने सरकारों में रहते हुए कभी देश के लिए नहीं सोचा, हमेशा देश के सामने अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए, देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। आज वो लोग नौजवान युवाओं को आगे करके अपनी ढाल बनाकर राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं। मैं यहां आने से पहले आज मेरे को आधा घंटे का विलंब हुआ, मैंने पूरे उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिक जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय सेना में रहते हुए दिया, 13 के 13 जिले के लोगों से आज मैंने सबसे संवाद किया था और उस संवाद के दौरान सारे लोगों ने एक तरफ से कहा कि जो मोदी जी ने और देश के रक्षा मंत्रालय ने, देश की सेना ने जो फैसला लिया है, हम उस फैसले के साथ हैं। उन्होंने कुछ अपने सुझाव भी दिए। हमने कहा कि उन सारे सुझावों को हम भारत के रक्षा मंत्रालय को भेजेंगे, हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेंगे और जो संख्याएं, जो उनके सुझाव है, जो उसको अच्छी चीजें हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि उन सबको शामिल किया जाए। हम उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद का काम किया है, जिन्होंने हमेशा देश के साथ चलने का काम किया है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अगर कहीं से सबसे ज्यादा योगदान हुआ है तो हमारी वीर भूमि उत्तराखंड से हुआ है। और उत्तराखंड के लोगों ने आप छोटा मोटा जहां भी देख रहे होंगे, वो एक पार्टी विशेष के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनका काम कल विरोध के लिए विरोध करना है। कहीं पर भी नौजवान युवा हमारे यहां पे जागरूक है, हम उन नौजवानों के लिए निश्चित रूप से जैसे
श्री मोदी जी आज के देशवासी के लिए सोच रहे हैं, नौजवानों के लिए अगले डेढ़ सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है कि 10 लाख से ज्यादा नौकरियां निकालने का काम भी भारत की सरकार कर रही है। ऐसे अनेकों कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि हम सरकार में आएंगे, नई सरकार बनेगी। उस सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार में कोई सेना में कोई अर्धसैनिक बलों में ये धर्म अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ हमारे देवभूमि है, हमारी ये सीमाएं दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई हमारे राज्य, तो उत्तराखंड के अंदर रहने वालों के लिए, सबके लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम जो देश के अंदर लंबे समय से मांग उठती रही है कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, हमने तय किया कि हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उसके लिए हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी सारे लोगों से बात करने के बाद, सारे हितधारक जो जो भी उससे प्रभावित होने वाले हैं या जो जो भी उसकी सीमा में आने वाले हैं, उन सबसे बात करेगी और बात करने के बाद उत्तराखंड के अंदर सबके लिए अपने एक समान कानून लागू करेंगे, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, हमने एक कानून देवभूमि उत्तराखंड के अंदर लागू करने का मन बना लिया है, निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है। ये हमारा विगत रही संकल्प, जो हमारा एक मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये लागू करने का मन बनाया है। हम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करते हैं कि वह भी इस कानून को देश हित में लागू करे, जनहित में लागू करे। इसी प्रकार से हमने चुनाव से पहले जो गरीब परिवार थे उनके लिए हमने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ऐसे परिवार जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, 1,85,000 परिवार, 1,85,000 परिवारों को हम साल के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में भरकर देने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए हम लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने बजट का प्रावधान कर दिया। हमारे जो बुजुर्ग दंपति होते थे, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, उस पेंशन को हमने अभी 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का निर्णय लिया है। पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपति होते थे, 2 बुजुर्ग होते थे, और एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी, कई बार तो दोनों में आपस में झगड़ा भी हो जाता था। मैंने देखा है, हमने तय किया कि हम अब अपने परिवार के बुजुर्गों के बीच में झगड़ा नहीं होने देंगे और दोनों के लिए हमने पेंशन की व्यवस्था कर दी। हमारी नगर पालिका का शपथ ग्रहण हुआ है, उस पर बहन जी हमारी बहुत अनुभवी है, बहुत काम करती है, डाउन टू अर्थ है। हमने नगर पालिकाओं में जो पर्यावरण मित्र थे, उन पर्यावरण मित्रों को भी किसी को 200 रूपया, किसी को 250 रूपया, किसी को 150 रूपया मानदेय मिलता था। हमने तय किया कि अब हम इन पर्यावरण मित्रों को, इन सफाई मित्रों को हम 500 रूपये प्रतिदिन का प्रतिदिन का जो है उनको मानदेय देंगे। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ पर खून की तरह लग गया है, इस भ्रष्टाचार से उत्तराखंड की मुक्ति होनी है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, उसको
को लेकर भाइयों बहनों, हमने 1064 एक नंबर हमने जो है इसका लॉन्च किया है। कहीं पर भी किन्हीं भी दफ्तरों में अगर करके आपको भ्रष्टाचार देखता हुआ, रिश्वत मांगता हुआ, कोई काम में हिला हवा नहीं करता हुआ कोई भी पाया जाए तो इस नंबर पर अपना डायल करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और शिकायत दर्ज करवाने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा, लेकिन गुप्त तरीके से वहां पर कार्रवाई होगी। ऐसे कई मामलों में अभी तक कार्रवाई होती है। भाई और बहनों, शांतिकरण, समाधान और निस्तारण, ये तीन मंत्रों के आधार पर हमने सरकार चलाने का निर्णय किया है। ये सरकार जनता की सरकार होगी, ये सरकार जनता की सहभागी होगी, जनता की साझेदार होगी। हमने कहा है कि सचिवालय के अंदर एक दिन सोमवार का दिन अब नो मीटिंग से होगा, उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी, उस दिन केवल जो लोग हमारे वहां अपने कामों के लिए जाते हैं उनके कामों का निस्तारण होगा, उनकी सुनवाई होगी। इसी प्रकार से हमारे जिलों में भी हमने 10 से 12 बजे तक क्योंकि यहां पर दूर दूर से आने वाले होते हैं, 11 बजे के बाद 1 बजे तक यहां भी हमारे जिलाधिकारी के कार्यालय में, इनके नीचे के कार्यालय में, उप जिलाधिकारी के कार्यालयों में इस प्रकार की सुनवाई होगी। अभी हमने उत्तराखंड का इस नई सरकार का पहला बजट, अभी नया बजट आया, उस बजट में हमने कोशिश करी कि सारे लोगों से बात करके, संवाद करके उस बजट को लाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं जन सहभागिता के आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर सरकार का काम करे। कोई भी सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं होती है जब तक कि उसको जनता का समर्थन नहीं मिलता है, समाज का समर्थन नहीं मिलता है। इसके समर्थन से सारे काम होंगे। भाइयों बहनों, ये विकल्प सही संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो काम तभी पूरा होगा जब आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। हर क्षेत्र के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज चार धाम बने, जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है, यहां पर भारतमाला की तमाम स्वर्ग मंडल पूरे एक कोने से दूसरे कोने को, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने का काम चल रहा है, तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। हवाई क्षेत्र में हम लोगों ने तमाम योजनाएं बनाई, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फल पर्यटन बागवानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। उनके निर्देशन में निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जो लक्ष्य हमने तय किया उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यहां पर आपने अभी बताया मुझे कि पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या के निस्तारण के लिए यहां पर एक मास्टर प्लान बनाया गया है। यहां पर जो है मैं अपनी घोषणा करता हूं कि एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जनता ढूंढी जाएगी। इसी प्रकार से पेयजल की जो समस्या है, पेयजल की समस्या के निस्तारण के लिए भी यहां पर काम किया जाएगा। अभी भूस्खलन के समय में मैं यहां आया था, मैं तो आपने बताया कि इन्होंने क्योंकि वहां में नारायणपुर ब्लॉक में डुमरी गांव है, डुमरी गांव गया था मैं, कुछ वहां पर स्थल पर पहुंचा था, मैंने देखा कि आपदा के समय में हमारे यहां प्रत्येक
सहायक सिद्ध होगा। और जो भी चीजें यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों ने मुझे बताई है, मैं इन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इन सब पर निश्चित रूप से काम होगा।